शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत प्रत्येक विद्यालय के लिए मान व मानकों का निर्धारण किया गया है, परंतु बड़े अफसोस की बात है कि इन मान व मानकों में भदोही जनपद सूर्याव ब्लॉक के थठरा गांव स्थित थठरा प्राथमिक विद्यालय पूर्णतया फेल है, जिससे यहां पढ़ने वाली गुड़िया सहित 93 बच्चों को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। हमारे विद्यालय में बहुत सारी समस्याएं हैं, नहीं हैंडपंप नहीं है, भोजन नहीं है, शौचालय नहीं है, हम सब हैंडपंप नहीं है, पानी पीने गांव जाते हैं, जिसके नल से पानी पीते हैं वह डांटती है, हम सब पानी नहीं पी पाते हैं, पानी पीने जाते हैं तो समय बर्बाद होता है, हम सब पढ़ नहीं पाते हैं, आधा पढ़ते हैं आधा नहीं पढ़ते हैं, घर जाते हैं खाना खाने तो लेट हो जाता है, कभी खाना बना रहता है कभी नहीं बना रहता है, शौचालय नहीं है, हम सब दूसरे के खेत में जाते हैं, गाँव वाले डांटते हैं बिगड़ते हैं, इसीलिए हम लोग कहाँ जाएँ, इसीलिए कह रहे हैं कि शौचालय हो जानी चाहिए, हैंडपंप हो जानी चाहिए, भोजन की तैयारी हो जानी चाहिए। हमारे विद्यालय में भौतिक संसाधनों का बहुत ही अभाव है। उदाहरण स्वरूप आप देख ही रहे हैं, सामने जो दिखाई दे रही है भवन, इसको पिछले साल में कंप्लीट हो जाना चाहिए था, 2014 में इसकी रंगाई पुताई तक नहीं हुई है और न ही विद्यालय का नाम ही कहीं दीवार पर अंकित है, और एक ही साल बने हुए विद्यालय हुआ। स्थिति ये है कि फर्श टूटने लगे हैं और श्यामपट वगैरह भी सब उखड़ चुके हैं, जो श्यामपट है उसकी पेंट नहीं हुई है, सीमेंटेड है, जिससे हम लोगों को पढ़ाने में लिखने में असुविधा हो रही है, और साथ ही इस भवन के साथ एक शौचालय और रसोइयाँ पास हुआ था। शौचालय की स्थिति यह है कि अपूर्ण है, केवल दीवार खड़ा करके छोड़ दिया गया, घास फूस सब लगे हुए हैं, ना तो साफ़ सफाई है ना तो पूरा कुछ भी कम्प्लीट नहीं है, और रसोइयाँ का भी स्थिति वही है। दूसरी चीज़, विद्यालय में हैंडपंप का अभाव है और यहाँ आसपास भी हैंडपंप नहीं है। केंद्र सरकार की एक योजना है मध्याह्न भोजन योजना, जिसमें प्रतिदिन बच्चों को दोपहर में भोजन दिया जाता है, और यहाँ पे इस चीज़ का संचालन बिल्कुल नहीं हो रहा है, इस बात का बहुत सर्वाधिक कष्ट हमको है। कमरे की चाबी वगैरह सब कुछ एकदम डिस्टर्ब व्यवस्था है, विद्यालय के मानकों के अनुरूप नहीं है। मैं समझना चाहता है कि इस विद्यालय का मान और मानकों के अनुरूप संचालन हो, ताकि इन बच्चों की समस्या दूर हो सके। मैं वीडियो देखने वाले आप सभी दर्शकों से अपील करता हूं कि भदोही जनपद के BSA जिनका मोबाइल नंबर 94-53-00-41-99 पर कॉल कर दबाव बनाएं, ताकि इन बच्चों की समस्या दूर हो सके। मैं अनिल कुमार, भदोही, उत्तर प्रदेश से, इंडिया अनहर्ड के लिए।